साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉक में। आज हम द साइंस टॉक में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, आरओ एआरओ द्वारा टेस्ट की, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम लगभग गेन करते ही रहते हैं। अब इसका जो 2021 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैं पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, जिससे कि इसकी एज में एज क्या मांगता है, इसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या क्या है, इसके साथ साथ इसका टाइपिंग मैटर कैसे आता है, और इसके साथ हम ये भी देख लेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगता है। जैसे कुछ लोगों को भी कंप्यूटर वाले क्राइटेरिया में कुछ दिक्कत है, कुछ लोग मतलब ट्रिपल सी भी मांगता है, ओ लेवल भी मांगता है, डिग्री भी मांगता है। आई पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी हम सब देख लेते हैं। आई स्टार्ट कर दी, ऑफिशियल है ये, कहीं से फर्जी वहाँ यहाँ वहाँ से लिया गया नहीं गया है, ठीक है। और हाँ, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अभी जो नोटिफिकेशन हाल में आने वाला है, एनटीए बस डेट ही इसमें चेंज करेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। चलिए, तो देखिए, पहली बात तो ये आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि इसमें सीट्स कितनी है। सीट्स आने वाली हैं, सीट्स जब भी आएंगी तो याद रखिएगा, सीट्स जो होंगी वो आपकी कम से कम 350+ तो होंगी ही होंगी, ठीक है। देखिए, और जो एग्जामिनेशन है वो भी आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। देखिए, आपको पता हो दो टाइप की वैकेंसीज होती हैं, एक हमारा होता है आरओ और एक होता है हमारा आरओ ए आरओ, ठीक है। एक बार हम दोनों ही देख पाएंगे, एक ही देखते हैं, ठीक है पहले। तो मगर आरओ की बात करते हैं, देखिए आरओ में जो आपका सीट्स जो भी है, सीट्स सबकी आरओ में ज़्यादा आएंगी, मुझे लगता है कि नंबर नहीं बताऊंगा, मैक्सिमम सीट्स इसी में आने वाली है। ये लेवल 8 की जॉब होती है, ठीक है, 7th ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। और मान के चलिए कट पिट के आपको, बहुत कट पिट के इस समय आपका 68 आपको मिल जाएगा, 68 के अबाउट, ठीक है, 68 के आपको मिल, मतलब 68,000 आपको आराम से मिल जाएगा कट पिट के। चलिए, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब आप बी आपका बी ए हो, बी टेक हो, बी एस सी हो, शास्त्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। हाँ, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज हो, ठीक है, उससे आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या सिक्वलेंट जो भी आप समझ आ रहे हो। अब बात करते हैं, इसके साथ साथ एंड आ गया है डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मतलब डिग्री डिप्लोमा हो कुछ भी, मतलब जो लोग बीटेक वाले भी हैं, मतलब जिसने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखा है या बीसीए कर रखा है, ठीक है, एमसीए तो छोड़ ही दीजिए, जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का, वो लोग बिल्कुल ही एलिजिबल है आँख बंद करके। हाँ, उनकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वैसा नहीं कि किसी कहीं गाँव में कोई यूनिवर्सिटी खोल के बैठ गया और आप उसका लेके बैठ गए, नहीं। अगर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, वहाँ से अगर आपने बी ए बी एस सी किया, मतलब आपने बी सी ए अगर किया हुआ है, आपने बी टेक किया हुआ है, तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल है। इसके साथ साथ और क्या चाहिए, ओ लेवल, जो भी आपके नीलेट जो ओ लेवल कराते हैं, जिसको डोएक सोसाइटी कहते हैं, यहाँ से अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप भी फुल्ली एलिजिबल है। अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो हाई कोर्ट ये भी कहता है कि आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सारा आपके पास होना ही चाहिए। तो आपको, मुझे लगता है आपका डाउट खत्म हो गया, कंप्यूटर में अगर आपके पास बी सी ए है या बी टेक है कंप्यूटर साइंस से, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा खूब आराम से, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग नहीं मांगता है आर ओ आर ओ में, इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी ही चाहिए मैक्सिमम। हाँ, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता कि इसका सर्टिफिकेट नहीं होता कि यार टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब टाइपिंग कराई जाएगी, आप सिर्फ फॉर्म भरवाए तो टिक करवा देगा, हाँ कि आपको 25 की स्पीड आती है, आप टिक करते हैं, हाँ, और फिर वो काम खत्म, ठीक है। और जब ये एग्जामिनेशन कराया जाएगा तो आपकी स्पीड देखी जाएगी कि आपकी 25 स्पीड आती है कि नहीं आती है। मुझे लगता है कि अब जो कंप्यूटर वाली योग्यता में आपको दिक्कत हो रही थी वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके अलावा भी हाई कोर्ट क्या क्या मांग लेता है वो तो अब वो इन्हीं को पता है, ठीक है। बट अगर आपका ट्रिपल सी नहीं है तो मेरी सलाह रहेगी अभी ट्रिपल सी डाल दीजिए, अगले महीने एग्जामिनेशन में आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ए आर ओ के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल ही सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या है, ग्रेड पे जो है वो आपका 7th ग्रेड पे हो जाता है, मतलब इससे कम से कम 4,000 रुपये कम मिलेगा, बाकी सारा का सारा सेम है, ठीक है। ओ लेवल मांगेगा, ट्रिपल सी मांगेगा, ठीक है। टाइपिंग वाले ध्यान रखिएगा, टाइपिंग आप घर से कम आप 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लेकर ही आइए, तभी आप पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं एग्जामिनेशन का कीबोर्ड 1936 का मिलेगा कि कितना पुराना मिलेगा, ठीक है। तो सड़े सड़े ही होते हैं, मुझे लगता है आपको समझ जाएंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात आपको पता होगा, यूपी गवर्नमेंट जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी देती है, ये सारी रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे भी है, हाँ, बट रिजर्वेशन का जो लाभ है वो केवल यूपी स्टेट के लोगों को ही मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एस टी एस सी ओ बी सी सबको मिलता है, और हो सकती है इस बार से इसमें ए डब्ल्यू एस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो भी यू पी पी एस एस ने भी कराया था जुडिस्ट्री के एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर भी ए डब्ल्यू एस की सीटें जोड़ दी गई थी, तो इस बार में जुड़ जानी चाहिए, ठीक है। वुमेंस का आपको पता है 20% रिजर्वेशन होता है, बाकी सारा आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप कुछ और देख लेते हैं, एज क्राइटेरिया की बात आप कर रहे थे, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया, सारा का सारा सेम है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आप एज लिमिट, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 21 ईयर्स, कम से कम 1 जुलाई, हमेशा जब भी डेट हाई कोर्ट कैलकुलेट करता है तो 1 जुलाई को ही कैलकुलेट करता है, 1 जुलाई को, ठीक है। तो याद रखिएगा,
1 जुलाई को, मतलब देखिए उन्होंने वैकेंसी निकाली 2021 में, उन्होंने वैकेंसी कब निकाली, 2021 में निकाली थी, तो 1 जुलाई 2021 कर दिया। अब जब ये निकालेंगे तो ये निकालेंगे मान ली 2023 में, तो फिर से बोल देंगे 1 जुलाई 2023 को आपकी ये एज कैलकुलेट करेंगे, और इसके अंदर में आपका आपकी एज कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि एज आपकी 21 साल और 35 साल। हाँ, जो मिनिमम एज होती है वो जनरल ओबीसी एसटी एससी सबके लिए सेम होती है, मैक्सिमम एज में आपको छूट मिलती है जो कि 5 साल की होती है, जो अभी नीचे देख लेंगे आप कैटेगरी वाइज। तो मिनिमम एज कितनी 21 साल है और मैक्सिमम एज कितनी 35 साल जनरल के लिए, और कैटेगरीज के लिए उनका लाभ मिलता रहता है। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 जुलाई आपका 88 हो जाएगा, बाकी सारा अक्सर मतलब इससे पहले आपका जन्म न हुआ हो। ठीक है, मुझे लगता है आपको मेरा मतलब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए रिलैक्सेशन की बात हो गई, तो मैंने बोला कि लाभ उन्हीं को मिलेगा जो यूपी स्टेट के आपके हो। इसके आपके जो जो भी कह सकते हैं कि आर्मी वाले भी हो जाए, मिलिट्री पर्सन, उनको भी छूट मिलती रहती है, उनके अलग अलग क्राइटेरिया होता है। हाँ, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग लोग के लिए करीब 15 साल का रिलैक्सेशन है, तो आपको पता हो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे देती है ये भी इसके लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब ये तो सब इंडिया नहीं है, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का, कैरेक्टर सबका अच्छा होगा, मैरिटल सबको पता है, फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बस आप काम कर लायक हो, हाथ पर चल रहा हो, चल जाएगा। ठीक, हाँ, अब देखिए जो एग्जामिनेशन की बात करें, मैंने इसमें वीडियो बना रखे, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें जो एग्जामिनेशन की बात की जाती है, दोनों का सिलेबस में बहुत ही माइनूट सा अंतर होता है, बहुत ही माइनूट सा। ठीक है, पर देखिए चलिए आपका चूंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ऑनलाइन मान के आपको समझा रहा हूँ मैं, आपके 200 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे, और इसका जो कैलकुलेटेड टाइम होगा वो 180 मार्क्स का होगा, सॉरी 180 मिनट का आपका इसका टाइमिंग होगी। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और कोई भी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं होते, बस आप क्वालिफाई हो गए, काम खत्म, कोई क्वालिफाइंग नहीं है। ठीक, चलिए टाइपिंग की बात करते हैं, तो टाइपिंग में भी आपको 50 मार्क्स का टाइपिंग, मतलब टाइपिंग कैलकुलेट होती है। 20 मिनट में आपको अबाउट 500 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, 20 मिनट में आपको अबाउट 500 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, मतलब मान सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इन्होंने भले लिखे नो नेगेटिव मार्किंग, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, वरना फिर नेगेटिव मार्किंग में फिर कम नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने नोट फेस थोड़ी गलती है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग फुल्ली होती है, और यहाँ पे भी आपको कम से कम 25 मार्क्स आपके आने ही चाहिए टाइपिंग में। ये सब भूल जाइए, एक लाइन में आप ये समझिए कि आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है, कम टाइम में स्पीड अच्छी लगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आप बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो देखिए जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकॉनमी एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड ये भी आता है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, फिर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नेक्स्ट हमारे करंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये भी आता रहता है, फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड, देखिए मंत्र समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, शायद यारों में आता हो, फिर आपका यूपी से रिलेटेड जो भी आपके स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये आपका आता है, फिर नेक्स्ट नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। देखिए इससे पहले जब ऑफलाइन होता था तो देखिए इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आ जाते थे, और हिंदी के आप कर लगभग 15 क्वेश्चन आते थे, बट जब से एनटीएल कराया तो यूपी वाले बल्ले बल्ले हो गई है, मतलब सारे यूपी वाले हैं, मतलब बल्ले बल्ले ये हो गई है कि इन्होंने इंग्लिश से भी मात्र 13 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अच्छी बात है भाई, कहाँ 50 में वो आगे पीछे घूमते थे अब, तो अच्छी बात है। फिर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से कम 15-20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कहाँ से पढ़ना बता दूंगा आपको। ठीक है, और जो मैंने बोला ना 500 वर्ड्स टाइपिंग मैटर आएगा, जो आपको सेम फॉर्मेट में, वो गलत हो तो सही हो तो आपको टाइप करना ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप इसमें देख लेते हैं, ये हमारा आर ओ का सिलेबस था, ये ए आर ओ का सिलेबस था, देखिए सारा का सारा सेम है मेरे अकॉर्डिंग, बस यही एक अंतर है, आप इसका मैं डाल दूंगा वैसे देख लीजिएगा, यही जो वहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंसिया लिखा है, ठीक है, देख रहे हैं आप, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, आ जाओ भैया कहाँ चले गए, हाँ देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड था आर ओ में, और यहाँ पे क्या था जनरल इंटेलिजेंसिया, ना बाकी सारा का सारा से, मतलब एक रीजनिंग क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आएंगे, दूसरे में कम आ जाएंगे, बाकी सारा का सारा क्या है सेम है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी पूरी बात में समझा दिया है मैंने, ठीक है, वही फिर से सिंगल शिफ्ट में होगा, और 15 मिनट्स का गैप देके आपकी टाइपिंग कराई जाती है। ठीक है, तो टाइपिंग मुझे लगता है कि शायद अब कुछ इसमें चेंजेस आए, ठीक है, तो आपको दोनों में क्वालिफाई करना है, टाइपिंग केवल इंग्लिश में होगी, और जो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है, जब आपकी इच्छा आप इंग्लिश हिंदी में चेंज कर सकते हैं, ऐसे पूरा टाइप बना होता है टाइम, जैसे हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस, जब कभी भी आप किसी भी सेक्शन में कूद के आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होता है, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो और नेगेटिव मार्किंग मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे वहाँ क्या लिखते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं, बट ये देखिए नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप, नेगेटिव मार्किंग दोनों टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन है वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
बट टाइपिंग में अगर एक भी छोटी सी गलती होती है आपका 0.1 मार्क्स कट कर लिया जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में। तो आपको अगर मेरे काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले।